आपने अनसार को अनस बिन मालिक रजी अल्लाह के घर जमा फरमाया। फरमायान की तादाद पैंतालीस थी आप और अनसार में से एक एक को बुलाते गए और फरमाते गए तुम भाई भाई हो फिर हुआ ये कि ये उख़ुवत हकीकी उख़ुवत से भी बढ़ गई इस मौके पर अनसार ने जिस जिसफयाजी ईसार और मेजबानी का मुजाहरा किया इंसानी तारीख इसकी मिसाल पेश करने से कासिर है। अंसार ने मुहाजिर भाइयों की हैसियत मेहमानों की न रहने दी बल्कि उन्हें अपनी जायदाद और कारोबार में बराबर का हिस्सेदार बना लिया इस तरह महाजरीन बहुत जल्द अपने पैरों पर खड़े हो गए महाजरीन से ये अंसार की मोहब्बत ही का नतीजा था कि उन्होंने नबी सलम पर अपने खजूरों के बागत पेश किए कि आप इन बागात को इनके और मुहाजरीन के दरमियान तकसीम कर दें आपने इनकार फरमाया तो अंसार ने मुहाजरीन से कहा आप लोग काम कर दिया करें हम फलों में आप लोगों को शरीक कर लेंगे आप वसल्लम ने इस तजवीज को पसंद फरमाया साद बिन रबी रज्ला बड़े मालदार अंसारी थे उन्होंने अपने भाई बिन बतला दो मैं उसे तलाक दे देता हूँ इद्दत गुजर जाए तो उससे शादी कर लेना यह सुनकर सईदिना अब्दुलरहमान बिन औज्ला ने फरमायाल्ला आपके आहल और माल में बरकत दे मुझे आप बाजार का रास्ता बता दे उन्होंने बनु कैनोका के बाजार का पता बतला दिया। ये बाजार चले गए मेहनत मजदूरी की वापसी पर उनके पास कुछ फाजिल पनीर और घी था फिर थोड़े ही दिन गुजरे थे कि उन्होंने माल भी कमाया और एक अंसारी औरत से शादी भी की मदीने में मुसलमानों के अलावा दो और जमातें भी थीं। ये दोनों जमातें हर लिहाज से मुसलमानों से मुख्तलिफ थी इनका अकीदा दीन मसलहातें, जरूरियात जज्बात और एहसास बिल्कुल मुसलमानों के खिलाफ थे और ये दोनों जमातें थी मुशरकिन और यहूद की चुनाचे नबी अक्रम वसल्लम ने एक अहदोपैमान मुसलमानों के माबेन कराया और एक दूसरा अहदो पैमान मुसलमानों और मशरकिन नीज मुसलमानों और यहूद के दरमियान कराया और इस बारे में एक तहरीर भी लिखी गई जिसके खास खास निकात ये हैं नंबर कुरैश और यसरिप के और मुसलिम और उनके मातहत होकर उनके साथ मिलने वाले और जिहाद करने वाले बकिया लोगों से अलग एक उम्मत है नंबर दो उनकी दियत की अदायगी और कैदी की रिहाई आहले ईमान के दरमियान सबक दस्तूर के मुताबिक होगी और ये फिदिये और दियत में अहले ईमान की मदद करेंगे नंबर तीन ये लोग मुफसिद, जालिम और बागी के खिलाफ एक हाथ होकर उठेंगे चाहे वो उनकी अपनी औलाद ही क्यों न हो नंबर चार कोई मोमिन किसी मोमिन को काफिर के बदले कत्ल नहीं करेगा और न किसी मोमिन के खिलाफ किसी काफिर की मदद करेगा नंबर पांच अल्लाह का जिम्मा एक है लिहाजा एक मामूली आदमी का दिया हुआ जिम्मा भी सारे मुसलमानों पर लागू होगा नंबर छह जो यहूद मुसलमानों के पैरोकार हो जाए उनकी मदद की जाएगी और वो दूसरे मुसलमानों की तरह होंगे नंबर सात मुसलमानों की सुलह एक होगी नंबर आठ जो किसी मोमिन को कसदन कत्ल कर दे उससे किसास लिया जाएगा सिवाय इस सूरत के, के मकतूल के वली राजी हो जाएं और अहले ईमान पर जरूरी है कि सब कतिल के खिलाफ उठ खड़े हों नंबर नौ किसी मोमिन के लिए हलाल नहीं कि किसी हंगामा बर्पा करने वाले या बिदती की मदद करे या उसे ठिकाना मुहैया करे नंबर दस उनके दरमियान किसी बात में इख्तिलाफ हो, तो उसे अल्लाह और उसके रसूल की तरफ लौटाया जाएगा इस पैमान के अलावा नबी अक्रम वसल्लम ने मुख्तलिफ अवात और मौकों पर मुसलमानों से इस्लामी कवत का हक भी बयान फरमाया इन्हें आपस में ताउन मदद इतहाद यगानगत गम गुसारी और ख़बरगीरी की तरगीब दी यहाँ तक कि ये अखवत तारीख की इंतहाई बुलंदियों तक पहुँच गई बाकी रहे मुश्रकिन तो इनका मामला और था इनकी अक्सरियत अपने सरदारों और बड़ों समेत मुसलमान हो चुकी थी और इनमें इतनी सख्त नहीं थी कि मुसलमानों के मुकाबले में खड़े हो सकें लिहाजा इनसे नबी अक्रम सला ने यह आहद लिया कि कोई मुश्रकैश की जानो माल को पनाह नहीं देगा और ना किसी मोमिन के आगे इसकी हिफाजत के लिए रुकावट बनेगा इस आहद के बाद इनकी तरफ से कोई अंदेशा ना रहा बाकी रहे यहूद तो इनके साथ नबी अक्रम सल्लाम ने जो माह किया इसके खास निकात ये हैं नंबर एक यहूद मुसलमानों के साथ एक उम्मत होंगे उनके लिए उनका दीन और मुसलमानों के लिए मुसलमानों का दिन होगा उनके जिम्मे उनका खर्च होगा और मुसलमानों के जिम्मे मुसलमानों का खर्च होगा नंबर दो जो ताकत इस मुआहदे के किसी भी फरीक से जंग करेगी या यसरप पर हमला करेगी सब आपस में उसके खिलाफ तान करेंगे और हर एक अपनी जानब का दिफा करेगा नंबर तीन इस मुआहदे के शुरा के दरमियान खैर खाही खैर अंदेशी और नेकोकारी के तल्ल होंगे गुनाह के नहीं नंबर चार आदमी अपने हलीफ के जुर्म में नहीं पकड़ा जाएगा नंबर पांच मजलूम की मदद की जाएगी नंबर छ जब तक जंग बरपा रहेगी यहूद भी मुसलमानों के साथ खर्च बर्दाश्त करेंगे नंबर सात इस मुआहदे के शुरा पर यसरब में हंगामा आ रही और कुछ तो खून हराम होगा नंबर आठ अगर इनमें कोई हंगामा या झगड़ा बर्पा हो जाए तो उसका फैसला अल्लाह और उसके रसूल करेंगे नंबर नौ कुरैश और उनके मददगारों को पनाह नहीं दी जाएगी नंबर दस ये मुआहदा किसी जालिम या मुजरिम के लिए आड़ नहीं बनेगा इस मुआहदे की रूह से यसरिफ के सारे बाशिंदे मुसलमान मुश्किन और यहूद एक ही वहादत की लड़ी में बिरो दिए गए मदीना और उसके अतराफ को मिलाकर एक आजाद और खुद मुख्तार कायम हो गई उसमें मुसलमानों का कलेमा नाफिज था और उसके सरबराह मोहम्मद सल्म थे इस दौरान यकुम और दो हिजरी में कई अहम वाकयात पेश आए उनमें से कुछ इस तरह है इसी दौरान में किबले की तब्दीली का हुक्म आया मक्का मुकरमा से हिजरत करके मदीना मनवरा आने के बाद सोलह या सत्रह माह तक मुसलमान बैतुल की तरफ रुख करके नमाज पढ़ते रहे अब हुक्म आया के खान काबा यानी मस्जिद हराम की तरफ मुंह करके नमाज अदा की जाए इसी साल में रमजानुल मुबारक के रोजे रखने और जक़ात अदा करने के अहकाम नाजिल हुए फिर ईदैन की नमाज और सदकत का हुक्म दिया गया इसी साल में पहली ईद उल फित्र और पहली ईद उल अजहा पढ़ी गई इसी साल नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी प्यारी बेटी सयदा फातिमा रजी अल्लाह रजीहा की शादी सैद ना अली रजी अल्लाह अल्ला से की सबसे बढ़कर ये कि इसी साल में मुसलमानों पर हुक्म इलाही से जिहाद फर्ज किया गया और मुसलमानों को अपने दिफा का हक दिया गया मक्का मुआजमा में सिर्फ तबलीग का हुक्म था अब अपने तहफुज में तलवार उठाने का हुक्म आ गया चुनाचे सरियों और ग़ज़वात का आगाज हुआ जिन जंगों में आपने किसी सहाबी को अमीर लश्कर बनाकर भेजा वो सरिया कहलाती है और जिन जंगी मार्कों में आप खुद अमीर लश्कर हुए वो गजवा कहलाते हैं तारीख इस्लाम में गजावात की तादाद इक्कीस ऐसी लेकर सत्ताईस तक बयान की जाती है जबकि सरयो की तादाद इससे कहीं ज्यादा है इस साल के दौरान कई गजावा हुए लेकिन सबसे मशहूर गजबा है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब हिजरत करके मदीना मुनवरा पहुंचे तो उन दिनों मदीने में एक निहाय दौलतमंद और असर शख्स अब्दुल्ला बिन उबई था हिजरत से पहले अनसार में उसका बहुत असर और रसूख था अनसार उसे अपना सरदार बनाने वाले थे बल्कि उसकी ताजपोशी के लिए एक ताज बनवा लिया गया था इसी दौरान में आप वसल्लम हिजरत करके मदीना पहुंचे और अंसार के दोनों कबाइल ने आपके हाथ पर बैत कर ली और मिसाके मदीना के जरिए से यहूदियों ने भी आपकी क्यादत को तस्लीम कर लिया इससे अब्दुल्ला बिन उबई की सरदारी के मंसूबे धरे के धरे रह गए इस बिना पर उसने आपकी मुखालिफत पर कमर बांध दी उधर मुश्रकी मक्का जो इस्लाम, मुसलमानों और की दुश्मनी में जल भुन रहे थे उन्होंने अब्दुल्ला बिन उबई को एक धमकी आमेज खत तहरीर किया इस खत में उन्होंने दो टोक अल्फाज में लिखा आप लोगों ने हमारे साहिब को पनाह दे रखी है इसलिए हम अल्लाह की कसम खाकर कहते हैं या तो आप लोग उससे लड़ाई करें या उसे निकाल दें या फिर हम अपनी पूरी जमीयत के साथ आप लोगों पर चढ़ाई करके आपके सारे जंगजुओं को कत्ल कर देंगे और आपकी औरतों की हुरमत पामाल कर देंगे जब ये खत अब्दुल्ला बिन उबई और उसके साथियों को मिला तो वो रसूल सल्लाह सल से जंग के लिए तैयार हो गए नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इसकी खबर हुई तो आप उनके पास तशरीफ ले गए और फरमाया कुरैश की धमकी तुम लोगों पर बहुत गहरा असर कर गई है तुम खुद अपने आप को जितना नुकसान पहुंचा देना चाहते हो कुरैश तुम्हें उससे ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचा सकते तुम अपने बेटों और भाइयों से खुद ही लड़ना चाहते हो नबी अलैहि वसल्लम की ये बात सुनकर लोग बिखर गए इस वक्त तो अब्दुल्ला बिन उबई जंग के इरादे से बाज आ गया क्योंकि इसके साथ ही ढीले पड़ गए थे या बात उनकी समझ में आ गई थी। लेकिन हकीकत में कुरैश के साथ इसके ताल्लुकात खुफिया तौर पर कायम रहे क्योंकि मुसलमानों और मुशरकिन के दरमियान शर और फसाद का कोई मौका वो हाथ से जाने नहीं देना चाहता था फिर इसने अपने साथ यहूद को भी मिला रखा था ताकि इस मामले में इनसे भी मदद हासिल करे लेकिन वो तो नबी अलैहि वसल्लम की हिकमत थी, जो रह, रह कर शर वो की, की हिजरत और मदीने में उनकी कामयाबी से कुफारे मक्का बहुत दिल मिला रहे थे और मदीने पर चढ़ाई के बहाने ढूंढ रहे थे रसूल सल्हुसम के बढ़ते हुए इकतदार और इस्लाम की एशात ने मक्का में अबू जहल और अबू सुफियान को सख्त बेचैन कर दिया था यही कैफियत मदीने में अब्दुल्ला बिन उबई की थी उसने कुरैश के हौसले बढ़ाए और उन्हें यकीन दहानी कराई कि अगर तुमने मदीने पर धावा बोला तो यहूदी तुम्हारा साथ देंगे मुसलमान जब से मदीना आए थे खतरात बढ़ते जा रहे थे और उनके सरों पर मुंडला रहे थे यही वजह थी कि मुसलमानों ने रातों को जाग जाग कर मदीने का पहरा दिया उधर कुरैश ने मदीने को तबाह बर्बाद करने का इरादा कर लिया इस गरज के लिए उन्होंने कई कबाइल को अपना हमनवा बना लिया चुनाचे जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खबर हुई तो आपने दो तदाबीर इख्तियार की। पहली ये कि कुरैश की शामी तिजारत बंद कर दी जाए ताकि वो मजबूर होकर मदीने पर हमला आवर होने का इरादा तर्क कर दें दूसरे ये कि मदीने के आसपास के कबीलों से अमन वमान का मुआहदा किया जाए ताकि कुरैश जंग मुसलत करें तो उन्हें गैर जानबदार रखा जा सके जब अल्लाह की तरफ से जिहाद और कताल की इजाज़त दी गई तो रसूल ने कई एक सराया भेजे और गजावत में हिस्सा लिया इनकी मुख्तसर तफसी कुछ यूं है इस सिलसिले में पहला सरिया जो रसोल्लाम ने भेजा वो सरिया सैफुल्बाह कहलाता है इसे आपने रमजान यकूम ब मुताबिक मार्च छह सौ तेईस ईस्वी में भेजा और अपने चचा सदना हमजा बिन अब्दुल अन्हु को इस सरिये का अमीर बनाया और तीस महाजरीन को उनके जेर कमान शाम से आने वाले एक कुरैशी काफले का पता लगाने के लिए रवाना फरमाया इस काफले में तीन सौ आदमी थे जिनमें अबू जहल भी था मुसलमान ईस के अतराफ में साहिल समुद्र के पास पहुँचे तो काफिले का सामना हो गया और दोनों फरीक जंग के लिए सफारा आरा हो गए करीब था कि जंग हो जाती लेकिन कबीला ले जुहैना के सरदार ने बीच बचाव करा दिया दोनों फरीक वापस चले गए यह इस्लामी तारीख का पहला सरिया और पहला फौजी अमल था इसका झंडा सफेद था और यह इस्लामी तारीख का पहला झंडा था इसके अलम बरदार सदना अबू मरसदिन हुसैन गनवी रजी अल्लाह अनह थे इसके बाद पैदर पै सर रवाना किए गए चुनाच शब्दाल यकुम हिजरी में सयदिनाबैदा बिन हारिस रजियाल्लाहो को साठ मुहाजरीन के साथ बतने रिख की वादी में भेजा गया वहां अबू सुफियान से सामना हुआ जो 200 सौ आदमियों के साथ था दोनों तरफ से तीर चले लेकिन जंग न हुई फिर जीकाद यकुम हिजरी में सईदिना साद बिन अबी वक्स रजी अल्लाह को बीस महाजरीन के साथ खर्र की तरफ भेजा गया जो के, जोफा के करीब एक मकाम है लेकिन उनका किसी से सामना न हुआ इसके बाद सफर दो हिजरी में सत्तर मुहाजरीन के साथ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद निकले और अबवा या वद्दान तशरीफ ले गए मुहिम का मकसद कुरैश के एक काफले की राह रोकना था लेकिन किसी से सामना न हुआ यह पहली मुहिम थी अलैहि वसल्लम बजाते खुद निकले इसके बाद रबीउल अव्वल दो हिजरी में रसूलुल्लाह अलैहि दो सौ सहाबा के साथ रवाना हुए मकसूद कुरैश का काफिला था जिसमें उमैया बिन खल्फ समेत कुरैश के एक सौ आदमी और अढ़ाई हजार ऊंट थे आप रजवा के अतराफ में मकाम बुआत तक तशरीफ ले गए लेकिन किसी से सामना ना हुआ इसी महीने में कुर्ज बिन जाबिर फेहरी ने मुशरकिन की एक मुख्तसर सी फौज के साथ मदीना की चराह पर छापा मारा और कुछ मवेशी हाँ कर ले गया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सत्तर सहाबा के हमराह उसका ताक़ुब किया और बद्र के अतराफ में सफ़वान तक, तक तशरीफ ले गए लेकिन कुर्ज निकल भागा इसी वाक को बाज लोग गजवा बद्र उला भी कहते हैं इसके बाद आप जुमादल उला या जुमादल उखरा दो हिजरी में 150 या 200 सौ महाजरीन के साथ जुल उशा तक तशरीफ ले गए मकसूद कुरैश के एक काफिले को रोकना था जो मुल्क शाम जा रहा था लेकिन आपके पहुंचने से पहले वो जा चुका था इस सफर में आपने बनु मुदलिज और उनके हलीफ बनु जमरा से जंग न करने का मुआहदा किया फिर रजब दो हिजरी में नबी अक्रम सलाम ने सै दिना अब्दुल्ला बिन जहाश असदी रजीला को बारह महाजरीन के साथ मक्का और ताइफ के दरमियान एक मकाम नखला की तरफ रवाना किया मकसद ये था कि वो कुरैश के एक काफले की खबर लाए मगर उन लोगों ने काफले पर हमला करके अमर बिन हजरमी को कत्ल और अब्दुल्ला बिन मुगैरा के बेटे उस्मान और मुगैरा के गुलाम हकीम बिन कैसान को कैद कर लिया और काफिले को हाँक लाए उनके ऐसा करने पर आप उनसे नाराज हुए चुनाचे कैदियों को छोड़ दिया गया और मकतूल का खून बहा अदा किया गया ये वाक रजब की आखिरी तारीख को पेश आया था इसलिए मुशरकिन ने शोर मचाया कि मुसलमानों ने हराम महीने की हुरमत पामाल कर डाली इस पर सूरह बकरा की आयत 217 सौ सत्रह नाजिल हुई थकबरों मिनल कचिल आपसे हराम महीने में लड़ाई के बारे में पूछते हैं आप कह दीजिए इसमें जंग करना बड़ा गुनाह है और अल्लाह की राह से रोकना और उसके साथ कुफर करना मस्जिद हराम से रोकना और उसके बाशिंदों को वहां से निकालना ये सब अल्लाह के नजदीक और ज्यादा बड़ा जुर्म है और फितना कत्ल से बढ़कर है ये थी जंगी नकलो हरकत जो मदीना मुनव्वरा और इसके अतराफ के अमन की हिफाजत के लिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मुसलमानों ने कायम कर रखी थी इससे कुरैश को यह बतलाना भी मकसूद था कि अगर वो अपने शर से बाज ना आए तो अंजाम बुरा होगा लेकिन वो अपनी खुदसरी और तकबुर में बढ़ते ही चले गए चुनाचे बदर के मैदान में उन्होंने इसकी सजा पा ली और जजा बहर हाल घाटे ही की थी सत्रह रमजान दो हिजरी को गजब बदर हुआ ये कुरैश और मुसलमानों के दरमियान पहला फैसला कुन मारे का था इसका सबक ये हुआ रसूल सल्हुलाफिले के लिए जुल उशरीफ ले गए थे और वो बचकर शाम चला गया था आप सल्लाह उसकी ताक में थे और उसकी खबर लाने के लिए आपने शाम के मकान हौरा तक तलादुल्ला और सईद बिन जैद रजी अल्लाह को भेजा चुनाच जैसे ही ये काफिला वहाँ ऐसी गुजरा उन्होंने फौरन मदीना मनवरा खबर पहुँचाई इस काफिले में आहले मक्का की बड़ी दौलत थी यानी एक हजार जिन पर कम अज कम दो सौ साढ़े बासठ किलो सोने की मालियत का सामान था और उसकी हिफाजत के लिए सिर्फ चालीस आदमी थे खबर मिलते ही रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने साब के राम रजी अल्लाहम को निकलने की दावत दी ताहम निकलना जरूरी नहीं करार दिया चुनाचे इस दावत पर तीन सौ तेरह तीन सौ चौदह या तीन सौ सत्रह सहाबा ने लबे कहा इनमे बयासी या तिरासी या फिर मुहाजरीन थे और बकिया में से इकसठ कबीला से थे और एक सौ सत्तर कबीलाए खजरज से थे उन्होंने मुकम्मल तैयारी भी नहीं की थी सवारी में सिर्फ दो घोड़े एक सैयदिना जुबैर बिन अवाम और दूसरा सैयदिना मिगदाद बिन अस्फ किस था और सत्तर ऊंट थे आठ या बारह रमजानुल मुबारक दो हिजरी को ये मुख्तसर फौज लेकर रसूल मदीना मुनवरा से निकले तो बद्र तो मंजिल मकसूद थी ये मदीना मुनवरा के जुनूब मगरब में एक सौ पचपन किलोमीटर के फासले पर वाक है इसे हर तरफ से बुलंद पहाड़ों ने घेर रखा है ज्यादा हिस्सा रेतला है साहेले समंदर यहाँ से करीबन दस मील के फासले पर है यहाँ पानी का एक चश्मा है और इर्द गिर्द बागात मौजूद हैं। इस काफिले के सालार अबू सुफियान थे जो बहुत होशियार और चुकन्ने आदमी थे हर आने जाने वाले से मुसलमानों की नकलो हरकत के बारे में मालूम करते रहते थे अभी वो बद्र से काफी दूर थे कि उन्हें मुसलमानों के निकलने का इल्म हो गया चुनाचे उन्होंने फौरन काफिले का रुख मगरब की तरफ फेर कर साहिल का रास्ता पकड़ लिया और बद्र का रास्ता मुकम्मल तौर पर छोड़ दिया साथ ही मजम बिन अमर गफारी को उजरत देकर मक्का भेजा कि जिस कदर जल्द मुमकिन हो उन्हें मुसलमानों के निकलने की इतला दे दे उसने खबर पहुँचाई तो अहले मक्का निहायत तेजी से तैयार हुए और सब के सब निकले अबू लहब के सिवा बड़ों में से कोई पीछे न रहा आस पास के कबाइल के लोग भी साथ ले लिए जब ये लश्कर मकाम जोह पर पहुँचा तो अबू सुफियान का पैगाम मिला इसमें उसने अपने बच निकलने की इतला दी थी और ये मुताबा किया था कि मक्का वापस पलट जाए चुनाचे लोगों ने वापसी का इरादा कर लिया मगर अबू जहल ने अपने तकबर और अकड़ की वजह से वापस जाने से इनकार कर दिया की फौज में एक हजार आदमी थे जिनके पास एक सौ घोड़े और छह सौ जर थी और ऊंट कसरत से थे एक तरफ इन्हें अपनी कसरत पर नाज और साजो साज सामान पर फख्र था तो दूसरी तरफ नबी करीम सलम इनकिसार से अल्लाह की बारगाह में हाथ फैलाए दुआ कर रहे थे आपकी दुआ के अल्फाज ये थे अगर मुसलमानों की ये मुट्ठी भर जमात हलाक हो गई तो रूए जमीन पर कभी तेरी इबादत न की जाएगी अः अल्लाह अगर तू चाहे तो आज के बाद कभी तेरी इबादत न की जाए आपने खूब तजरों और खुलूस से दुआ की यहाँ तक कि आपकी चादर आपके कंधों से गिर गई सयदिना अबू बकरों ने चादर दुरुस्त की और अर्ज किया ऐ के रसूल, बस करें आपने अपने रब से जी भर के दुआ फरमा ली दोनों लश्कर आमने सामने आए तो सबसे पहले मुश्किन में से बेहतरीन सालार उतबा शैबा और वलीद बिन उतबा मैदान में निकले उतबा और शैबा रबिया के बेटे थे उन्होंने ललकार कर कहा आओ तुम में से कौन हमारे मुकाबले पर आता है मुकाबले के लिए अनसार के तीन जवान निकले एक औफ दूसरे मुआविज ये दोनों हारिस के बेटे थे तीसरे अब्दुल्ला बिन रबाहा रजी अल्लाहम कुरैशियों ने कहा तुम कौन लोग हो उन्होंने कहा हम अंसार की एक जमात हैं। कुरैशियों ने कहा आप लोग शरीफ मद्दे मुकाबिल हैं, लेकिन हमें आपसे सरोकार नहीं हम तो अपने चचेरे भाइयों को चाहते हैं फिर उनके मुनादी ने आवाज लगाई मुहम्मद हमारे पास हमारी कौम के हमसरों को भेजो अलैहि वसल्लम ने फरमाया उबैदा बिन हारिस उठो हमजा उठो अली उठो जब ये लोग उठे और कुरैशियों के करीब पहुँचे तो उन्होंने पूछा आप कौन लोग हैं उन्होंने अपना तारुफ कराया कुरैशियों ने कहा आप लोग शरीफ मद्द मुकाबिल हैं।" इसके बाद मारका आरई हुई सैदिना उबैदा बिन हारिस ने उत्बा बिन रबिया से मुकाबला किया सैदिना हमजा ने शेबा से और सैदिना अली ने वली से सैयदिना हमजा और सैदिना अली ने अपने अपने मद्दे मुकाबिल को झट मार लिया लेकिन उबैदा बिन हारिस और उनके मदे मुकाबल के दरमियान एक एक वार का तबादला हुआ और दोनों में से हर एक ने दूसरे को गहरा जख्म लगाया इतने में सैदिना अली और सैयदिना हमजा अपने अपने शिकार से फारिग होकर आ गए आते ही उतबा पर टूट पड़े उसका काम तमाम किया और सैयदिना उबैदा को उठा लाए उनका पाँव कट गया था और आवाज बंद हो गई थी जो मुसलसल बंद ही रही यहाँ तक के जंग के चौथे या पांचवे दिन जब मुसलमान मदीने से वापस होते हुए वादी सफरा से गुजर रहे थे उनका इंतकाल हो गया मुबारजत का नतीजा मुशरकिन के लिए बुरा साबित हुआ चुनाचे वो गुस्से से बेकाबू होकर मुसलमानों की सफों में तुंदी के साथ टूट पड़े घमसान का अन पड़ा और कुश्तों के पुश्ते लग गए इससे मुश्रकिन की सफो में इस्तिराब की लहर दौड़ गई तागूत अकबर अबू जहल मलून ने अपनी सफों में इस्तिराब की ابتدائی लहर देखी तो चाहा कि इस सैलाब के सामने डट जाए चुनाचे वो अपने लश्कर को ललकारता हुआ तकब्बुर के साथ कहने लगा ला तो उज़्ज़ा की कसम हम उस वक्त तक वापस नहीं होंगे जब तक इन्हें रस्सियों में न जकड़ लें देखो तुम्हारा कोई आदमी इनके किसी आदमी को क़त्ल न करे बल्कि इन्हें पकड़ो और गिरफ्तार करो ताकि हम इनको इस हरकत का मजा चखाएं लेकिन उसे इस गुरूर की हकीकत का बहुत जल्द पता लग गया क्योंकि चंद ही लम्हे बाद मुसलमानों के हमले की तंदी के सामने मुशरकीन की सफें फटना शुरू हो गई। अलबत्ता अबू जहल अब भी अपने gird मुशरकीन का एक गोल लिए जमा हुआ था इस गोल ने अबू जहल के चारों तरफ तलवारों की बाढ़ और नेजों का एक जंगल कायम कर रखा था लेकिन गैरतमंद मुसलमानों के इस्लामी हुजूम की आंधी ने उस बाढ़ को भी बिखेर दिया और उस जंगल को भी उखेड़ दिया इसके बाद ये तागूते अकबर दिखाई पड़ा मुसलमानों ने देखा कि वो एक घोड़े पर चक्कर काट रहा है इधर उसकी मौत दो अंसारी जवानों के हाथों उसका खून चूसने की मुंतजर थी तागूत अकबर अबू जहल के कत्ल का इबरतनाक वाकया बयान करते हुए अब्दुलरमान बिन औफ रजी अल्लाह फरमाते हैं कि मैं जंग बद्र के रोज सफ के अंदर था कि अचानक मुड़ा तो क्या देखता हूँ कि दाएं बाएँ दो नौ उम्र जवान है गोया उनकी मौजूदगी से मैं हैरान हो गया कि इतने में एक ने अपने साथी से छुपा कर मुझसे कहा चचा जान मुझे अबू जहल को दिखला दीजिए मैंने कहा भतीजे तुम उसे क्या करोगे उसने कहा मुझे बताया गया है कि वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु वसल्लम को गाली देता है उस रात की कसम जिसके हाथ में मेरी जान है अगर मैंने उसको देख लिया तो मेरा वजूद उसके वजूद से अलग न होगा यहाँ तक कि हम में से जिसकी मौत पहले लिखी है वो मर जाए वो कहते हैं मुझे इस पर ताज्जुब हुआ इतने में दूसरे नौ उम्र नौजवान ने मुझे इशारे से मुतवजह करके यही बात कही उनका बयान है कि मैंने चंद ही लम्हों बाद देखा अबू जहा लोगों के दरमियान चक्कर काट रहा है मैंने कहा अरे देखते नहीं ये रहा तुम दोनों का शिकार जिसके बारे में तुम मुझसे पूछ रहे थे फरमाते हैं कि ये सुनते ही वो दोनों शाहीन अपनी तलवारें लिए झपट पड़े और उसे मारकर कत्ल कर दिया फिर पलटकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए आपने फरमाया तुम में से किसने कत्ल किया है दोनों ने कहा मैंने कत्ल किया है आपने दोनों की तलवारें देखी और फरमाया तुम दोनों ने कत्ल किया है अलबत् अबू जहल का सामान बिन बिन जमूह को दिया दोनों बिन जमूह ने कहा कि मैंने मुशरकिन को सुना वो अबू जहल के बारे में कह रहे थे अबुल हकम तक किसी की रसाई न हो मुआज बिन अमर कहते हैं कि जब मैंने ये बात सुनी तो उसे अपने निशाने पर ले लिया और उसकी समत जमा रहा जब गुंजाइश मिली तो मैंने हमला कर दिया और ऐसी जरब लगाई कि उसका पाऊ निस्पिंडली से उड़ गया वल्लाह जिस वक्त ये पाऊ उड़ा है तो मैं उसकी तस्बी सिर्फ उस गुठली से दे सकता हूँ जो मूसल की मार पड़ने पर झटक कर उड़ जाए कहते हैं कि इधर मैंने अबू जहल को मारा और उधर उसके बेटे इकरमा ने मेरे कंधे पर तलवार चलाई जिससे मेरा हाथ कटकर मेरे बाजू के चमड़े से लटक गया और लड़ाई में मुखिल होने लगा मैं इसे अपने साथ घसीटते हुए और इसे जोर से खेच कर अलग कर दिया इसके बाद अबू जहल के पास मुआविज बिन अफरा पहुंचे वो जख्मी था उन्होंने इसे ऐसी जरब लगाई कि वो वहीं ढेर हो गया सिर्फ सांस आती जाती रही इसके बाद मुआविज बिन अफरा खुद भी लड़ते हुए शहीद हो गए जब मारे का खत्म हो गया तो रसूल लाह सलम ने फरमाया कौन है जो देखे अबू जहल का अंजाम क्या हुआ इस पर सहाब उसकी तलाश में बिखर गए अब्दुल्ला बिन मसूद रजी रजों ने उसे इस हालत में पाया कि अभी सांस आ जा रही थी उन्होंने उसकी गर्दन पर पांव रखा और सर काटने के लिए दाढ़ी पकड़ी और फरमाया ओ अल्लाह के दुश्मन आखिर अल्लाह ने तुझे रुसवा किया ना उसने कहा मुझे काहे को रुसवा किया क्या जिस शख्स को तुम लोगों ने कत्ल किया है उससे भी बुलंद पाया कोई आदमी है या जिसको तुम लोगों ने कत्ल किया उससे भी कोई ऊपर आदमी है फिर बोला काश मुझे किसानों की बजाय किसी और ने कत्ल किया होता इसके बाद कहने लगा मुझे बताओ फतह किसकी हुई अब्दुल्ला बिन मसूद रजी अल्लाह ने फरमाया अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इसके बाद अब्दुल्ला बिन मसूद रजी अल्लाह अनहो से जो उसकी गर्दन पर पांव रख चुके थे कहने लगा ओ बकरी के चरवाहे तू बड़ी ऊंची और मुश्किल जगह पर चढ़ गया वाजे रहे कि अब्दुल्ला बिन मसूद रजी अल्लाह अनहो मक्के में बकरियां चराया करते थे इस गुफ्तगु के बाद अब्दुल्लाह बिन मसूद रजी अल्लाहू अन्हो ने उसका सर काट लिया और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में लाकर हाजिर करते हुए अर्ज़ किया या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये रहा अल्लाह के दुश्मन अबू जहल का सर आपने तीन बार फरमाया वाकई उस अल्लाह की कसम जिसके सिवा कोई माबूद नहीं इसके बाद फरमाया अल्लाहू अकबर अच्छा तमाम के लिए है। जिसने अपना वादा सच कर दिखाया अपने बंदे की मदद फरमाई और तनखा सारे गिरोहों को शिकस्त दी फिर फरमाया चलो मुझे उसकी लाश दिखाओ जब आप वसल्लम को लाश दिखाई गई तो आपने फरमाया ये इस उम्मत का फिर है मुआज़ अम्र और मुआवज बिन अफरा के ईमान अफरोज कारनामों का जिक्र हो चुका है हकीकत ये है कि इस मारके में कदम कदम पर ईमान के ऐसे ताबनाक नकुश पेश आए जिनमें अकीदत की कुत और उसूल की पुख्तगी नुमाया और जलवागर थी इस मारके में बाप और बेटे में भाई और भाई में सफाराई हुई उसूलों के अख्तिलाफ पर तलवारें बेनियाम हुई और मजलूम वसल्लम ने से मुझे मालूम है की बनु हाशिम वगैरह के कुछ लोग जबरदस्ती मैदान जंग में लाए गए हैं इन्हें हमारी जंग से कोई सरोकार नहीं है लिहाजा बनु हाशिम का कोई आदमी किसी की जद में आ जाए तो वो कत्ल ना करे और अबुल बुख्तरी बिन हिशाम किसी की जद में आ जाए तो वो इसे कत्ल ना करे और अब्बास बिन अब्दुल किसी की जद में आ जाए, तो वो भी उन्हें कत्ल करे क्योंकि वो जबर लाए गए हैं इस पर उतबा के जादे अबू हुफा रजियाल्लाहो ने कहा क्या हम अपने बाप बेटों, भाइयों और कुंबे कबीले के लोगों को कत्ल करेंगे और अब्बास को छोड़ देंगे अल्लाह की कसम अगर उससे मेरी मुठभेड़ हो गई तो मैं उसे तलवार की लगाम पहना दूंगा ये खबर रसूल सल्लाम को पहुंची तो आपने उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह से फरमाया क्या रसूल सल्लाम के चचा के चेहरे पर तलवार मारी जाएगी उमर रजी अल्लाह ने कहा या रसूल्लाह मुझे छोड़िए मैं तलवार से शख्स की गर्दन उड़ा दूंगा क्योंकि अल्लाह की कसम ये शख्स मुनाफिक हो गया है बाद में अबू हुज़ैफा रजी अल्लाह अनहो कहा करते थे उस दिन मैंने जो बात कह दी थी उसकी वजह से मुझे बराबर खौफ लगा रहता है सिर्फ यही सूरत है कि मेरी शहादत उसका कफारा बन जाए और बिल आखिर वो यमामा की जंग में शहीद हो ही गए अबुल बुख्तरी को कत्ल करने से इसलिए मना किया गया था मक्के में ये शख्स सबसे ज्यादा रसूल की, की तकलीफ न पहुंचाता था और सुनने में से था जिन्होंने बनी हाशिम और बनी मुतलब के बायॉट का सहीफा चाक किया था लेकिन इन सब के बावजूद अबुल बुख्तरी को कत्ल कर दिया गया हुआ ये मुजज्जर बिन जियात से उसकी मुद भीड़ हो गई उसके साथ उसका एक और साथी भी था दोनों साथ साथ लड़ रहे थे मुजज़र ने कहा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें आपको कत्ल करने से मना किया है उसने कहा और मेरा साथी मुजज़र ने कहा नहीं वल्लाह, हम आपके साथी को नहीं छोड़ सकते उसने कहा अल्लाह की कसम तब मैं और वो दोनों मरेंगे इसके बाद दोनों ने लड़ाई शुरू कर दी मुज्जर ने मजबूरन उसे भी कत्ल कर दिया मक्के के अंदर जाहिलियत के जमाने से बिन औफ रजी ऐसी अब्दुर और उमैया बिन खल्फ में बाहम दोस्ती थी जंगे बद्र के रोज उमैया अपने लड़के अली का हाथ पकड़े खड़ा था कि इतने में उधर से अब्दरहमान बिन औफ का गुजर हुआ वो दुश्मन से कुछ जिरहे छीन कर लादे लिए जा रहे थे उमैया ने उन्हें देख कहा क्या तुम्हें मेरी जरूरत है मैं तुम्हारी इन जिरहों से बेहतर हूँ आज जैसा मंजर तो मैंने देखा ही नहीं क्या तुम्हें दूध की हाजत नहीं मतलब ये था कि जो मुझे कैद करेगा मैं उसे फिदी में खूब दुधैल उठनियाँ दूंगा ये सुनकर अब्दुलरहमान बिन औफ रजी अल्लाह अनहो ने जरहे फेंक दी और दोनों को गिरफ्तार करके आगे बढ़े अब्दुल रहमान बिन औफ रजी अल्लाह अनहो कहते हैं कि मैं उमैया और उसके बेटे के दरमियान चल रहा था कि उमैया ने पूछा आप लोगों में कौन सा आदमी था जो अपने सीने पर शुतर मुर्ग का पर लगाए हुए था मैंने कहा वो हमजा बिन अब्दुल मुतलिब रजियाल्लाहु थे उमैया ने कहा यही शख्स है जिसने हमारे अंदर तबाही मचा रखी थी सैयदना अब्दुल रहमान रजी अल्लाह अनहु कहते हैं कि वल्लाह मैं उन दोनों को लिए जा रहा था कि अचानक बिलाल रजी अल्लाह अनहो ने उमैया को मेरे साथ देख लिया तो उन्होंने कहा ओहो, कुफार का सरगना उमैया बिन खल्फ अब या तो मैं बचूंगा या ये बचेगा मैंने कहा ए बिलाल रजी अल्लाह अनहो ये मेरा कैदी है उन्होंने कहा अब या तो मैं रहूंगा या ये रहेगा फिर निहायत बुलंद आवाज से पुकारा ए अल्लाह के मददगारो ये रहा कुफार का सरगना उमैया बिन खल्फ अब या तो मैं रहूंगा या ये रहेगा अब्दुल रहमान बिन औफ रजी अल्लाहू अनहू कहते हैं कि इतने में लोगों ने हमें घेरे में ले लिया मैं उनका बचाव कर रहा था मगर एक आदमी ने तलवार से उसके बेटे के पांव पर ज़र्ब लगाई और वो वहीं गिर गया उधर उमय्या ने इतने ज़ोर से चीख मारी कि मैंने वैसी चीख कभी सुनी ही नहीं थी मैंने कहा निकल भागो मगर आज भागने की गुंजाइश नहीं अल्लाह की कसम मैं तुम्हारे कुछ काम नहीं आ सकता अब्दुल रहमान रजी अल्लाह फरमाते हैं कि लोगों ने अपनी तलवारों से उन दोनों को काट कर उनका काम तमाम कर दिया उसके बाद अब्दुल रहमान बिन औफ रजी अल्लाह कहा करते थे अल्लाह बिलाल रजी अल्लाह पर रहम करे मेरी जिरहें भी गईं और मेरे कैदी के बारे में मुझे तड़पा भी दिया सयदिना उमर बिन खत्ताब रहा अपने मामू आस बिन हिशाम बिन मुगीरा को कत्ल किया सैयदिना अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ने अपने बेटे अब्दुल रहमान को जो उस वक्त मुशरकिन के हमरा थे पुकार कर कहा ओ खबीस मेरा माल कहाँ है अब्दुल रहमान ने जवाब में एक शेर कहा जिसका तर्जमा यू है हथियार तेज रॉ घोड़े और उस तलवार के सिवा कुछ बाकी नहीं जो बुढ़ापे की गुमराही का खात्मा करती है जिस वक्त मुसलमानों ने मुशरकिन की गिरफ्तारी शुरू की रसूलुल्लाह अलैहि वसल्लम छप्पर में तशीफ फरमा थे और तलवार हमाइल किए दरवाजे पर पहरा दे रहे थे कि साद रजी अल्लाह के चेहरे पर लोगों की इस हरकत का नागवार असर पड़ रहा है आपने फरमाया ऐसा महसूस होता है कि तुमको मुसलमानों का ये काम नागवार है उन्होंने कहा जी हाँ अल्लाह की कसम अल्लाह के रसूल अहले शिर्क के साथ पहला मारे का है जिसका मौका अल्लाह ने हमें फराहम किया है इसलिए आहले शिर्क को बाकी छोड़ने की बजाय मुझे ये बात ज्यादा पसंद है कि इन्हें खूब कत्ल किया जाए और अच्छी तरह कुचल दिया जाए इस जंग में उकाशा बिन मेहसन असदी रजी अल्लाह की तलवार टूट गई वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए आपने उन्हें एक छड़ी थमा दी और फरमाया उकाशा इसी से लड़ाई करो उकाशा ने इसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से लेकर हिलाया तो वो एक लंबी मजबूत और चमचम -चम करती हुई सफेद तलवार में तब्दील हो गई फिर उन्होंने इसी से लड़ाई की यहाँ तक कि अल्लाह ने मुसलमानों को फतह नसीब फरमाई इस तलवार का नाम ऑन यानी मदद रखा गया था ये तलवार मुस्तकिल उकाशा रजी अल्लाह के पास रही और वो इसी को लड़ाइयों में इस्तेमाल करते रहे यहाँ तक के दौरे सिद्दीकी में के खिलाफ जंग करते हुए शहीद हो गए उस वक्त भी ये तलवार उनके पास ही थी खातिमा जंग के बाद मुसब बिन उमर अब्दरी रजी अल्लाह अनहो अपने भाई अबू अजीज उमैर अब्दरी के पास से गुजरे अबू अजीज ने मुसलमानों के खिलाफ जंग लड़ी थी और उस वक्त एक अंसारी साहबी उसका हाथ बांध रहे थे मुसअब ने उस अंसारी से कहा इस शख्स के जरिए अपने हाथ मजबूत करना इसकी माँ बड़ी मालदार है वो गालिबन तुम्हें अच्छा फिदिया देगी इस पर अबू अजीज ने अपने भाई मुसअब रजी अल्लाह से कहा क्या मेरे बारे में तुम्हारी यही वसीयत है मुसअब रजी अल्लाह ने फरमाया हाँ तुम्हारी बजाय ये अंसारी मेरा भाई है जब मुश्रकिन की लाशों को कुएं में डालने का हुक्म दिया गया और उतबा बिन रबिया को कुएं की तरफ घसीट कर ले जाया जाने लगा तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके साहिबजादे अबू हुजैफा रजी अल्लाह हु के चेहरे पर नजर डाली देखा तो गमजदा थे चेहरा बदला हुआ था आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अबू हुजैफा गालिबन अपने वालिद के सिलसिले में तुम्हारे दिल के अंदर कुछ एहसास हैं उन्होंने कहा नहीं वल्लाह या रसूल अल्लाह मेरे अंदर मेरे बाप के बारे में और उनके कत्ल के बारे में जरा भी लर्जिश नहीं अलबत् मैं अपने बाप के मुतालिक जानता था कि उनमें सूझबूझ है दूरंदेशी और फजलो कमाल है इसलिए मैं आस लगाए बैठा था कि ये खूबियां उन्हें इस्लाम तक पहुंचा देंगी लेकिन अब उनका अंजाम देखकर और अपनी तवक्को के खिलाफ कुफर पर उनका खातिमा देखकर मुझे अफसोस है इस पर रसूल सलू हुई और फा पाई इस गजवा बद्र में कुरैश का सरदार अबू जहल भी मारा गया ये वही अबू जहल था जिसने नबी करीम सलम और मुसलमानों पर जुलमो सितम के पहाड़ तोड़े थे सत्तर काफिर मौत के घाट उतरे सत्तर ही गिरफ्तार हुए बाकी दम दबाकर भाग निकले मुसलमानों में सिर्फ चौदह शहीद हुए उनमें छह मुहाजिर और आठ अंसारी थे इस जंग ने इस्लाम के दुश्मनों की ताकत का जनाजा निकाल दिया उनका भरम खुल गया और उनका गुरूर खाक में मिल गया जब रसूल लाह सल सल्लाम मदीना पहुंच चुके तो आपने कैदियों के बारे में मशवरा किया सैयदिना अबू बकर ने फिदिया लेने की राय दी जबकि सैदिना उमर की राय ये थी कि इन्हें कत्ल कर दिया जाए उन्होंने फरमाया मेरा करीबी मेरे हवाले करें और मैं उसे कत्ल करूँ अकील बिन अभी तालिब सदना अली के हवाले करें वो उसकी गर्दन को उड़ाएं यहाँ तक के अल्लाह को मालूम हो जाए कि हमारे दिलों में मशरकिन के लिए कोई नर्म गोशा नहीं है और ये हजरात मशरकिन के आइमा और कायदीन है वसल्लम ने फदिया लेना तय किया ये फदिया 4000 से 3000 और कम दिरहम तक था। और उनमें से जो लिखना पढ़ना जानते थे उनका फदिया ये करार दिया गया कि वो 10 बच्चों को लिखना पढ़ना सिखा दें। गजबाए बद्र में कुरैश के 70 आदमी मारे गए उनमें उतबा और अबू जहल जैसे रईस शामिल थे अबू जहल के बाद कुरैश का सरदार अबू सुफियान को बनाया गया ये बनु उमैया से थे इस तरह बनु उमैया के वकार में इजाफा हो गया जुमादल उला तीन हिजरी में कुरैश ने अपना एक काफिला इराक के रास्ते मुल्क शाम भेजा ये रास्ता नजद से होकर शाम जाता था और मदीने के करीब से नहीं गुजरता था इस काफिले की क्यादत सफवान बिन उमैया कर रहा था रसूल सल्हु वसलम को इसका इल्म हो गया आपने सईद जैद बिन हारिसा रजीला की कमान में दो सौ सवारों का एक दस्ता भेज दिया कुरैश का काफिला में करादाह नामी एक चश्मे पर पड़ाव डाल रहा था की ने जैद पर हमला कर दिया नतीजा ये हुआ कि पूरा काफिला उनके कब्जे में आ गया अलबत्ता उसमें जितने आदमी थे सब निकल भागे सिर्फ काफले का रहनुमा फुरात बिन हयान गिरफ्तार हो सका उसने इस्लाम कबूल कर लिया माल गनीमत की मकदार एक लाख दिरहम थी और गजबा बद्र के बाद कुरैश के लिए ये सबसे ज्यादा तकलीफ मार थी गजब्र के बाद गजाबाद के सिलसिले में तेजी आ गई तीन हिजरी में गजब बहरान गजबाए गए हुमेर असद और गजबाए ओहद इस साल कामयाबी से लड़े गए अलबत्ता गजब ओहद वाहिद गजबा है जिसमें मुसलमानों को बहुत तकलीफ देह सूरत हाल का सामना करना पड़ा अपनी एक गलती की वजह से वक्ती तौर पर शिकस्त का मुंह देखना पड़ा बद्र में जिल्लत आमेज शिकस्त और कुरैश के बड़े बड़े सरदारों के कत्ल के बाद मक्का मुआजमा के हर घर में कोहराम मच गया अब कुरैश के सरदार अबू सुफियान थे उनकी ये जिम्मेदारी थी कि वो गजबाए बद्र के मकतुलीन का इंतकाम लें चुनाजी मुशरकिन ने बद्र से वापसी पर मन्नत मानी कि वो जब तक मुसलमानों से बद्र का इंतकाम नहीं लेंगे गुसले जनाबत नहीं करेंगे एक रोज अबू जहल का बेटा इक्रमा मकतुलीन के रिश्तेदारों को साथ लेकर अबू सुफियान के पास गया और कहा मोहम्मद ने हमारी कौम को फना कर दिया है अब हमने तहैया कर लिया है कि मुसलमानों का नाम सफाई हस्ती से हरफे गलत की तरह मिटाकर दम लेंगे इस तरह कुरैश के शोला फिशां शायरों ने इंतकाम की आग को खूब हवा दी इस तरह सारा अरब गोया आतिश फिशां बन गया। उधर मुसलमान भी ये बात अच्छी तरह जानते थे कि कुरैश मक्का अपने सत्तर सरदारों का इंतकाम जरूर लेंगे चुनाचे मुसलमान फारे मक्का की सरगर्मियों से बाखबर रहने की पूरी कोशिश कर रहे थे शवाल तीन हिजरी में वसल्लम को इतना मिली कि कुरैश का लश्कर मदीना मुनवरा की तरफ बढ़ रहा है और उसकी तादाद तीन हजार है इस पर आपने सहाबा कर मशवरा किया अक्सर महाजरीन और तजरे बकार ने मशवरा दिया कि ख़वातीन को एक मोहल्ले में जमा कर दिया जाए और शहर के अंदर रहकर मुकाबला किया जाए अब्दुल्ला बिन उबई मुनाफिक ने भी यही राय दी लेकिन नौजवान साहबा के एक गिरोह ने इस बात पर इशार किया कि शहर से निकलकर दुश्मन का मुकाबला किया जाए दरअसल ये नौजवान साहबा कम उम्र होने की वजह से गजबाए बद्र में शिरकत नहीं कर सके थे इसलिए उन पर जोश तारी था नबी अक्रम सलम घर तशरीफ लाए और जीरा पहन कर बाहर तशरीफ ले गए अब लोगों को निदामत महसूस हुई कि क्यों शहर से बाहर जाकर लड़ने का मशवरा दिया चुनाचे उन्होंने कहा अगर आप पसंद फरमाएं, तो शहर में रहकर दुश्मन से मुकाबला किया जाए जवाब में आपने फरमाया रसूल को नहीं, कि हथियार पहनकर बगैर किताल के उतार दे चुनाचे आप एक हजार का लश्कर लेकर मदीना मुनव्वरा से निकले इसके बाद नबी सर को तीन हिस्सों में तकसीम किया महाजरीन का दस्ता इसका परचम सैयदना मोसब बिन उमैर रजी अल्लाह अनहु को अता किया कबीले औस का दस्ता इसका आलम उसैद बिन हुजैर रजी अल्लाह अनहु को अता फरमाया तीसरा कबीले खजरज का दस्ता इसका आलम हुबाब बिन मुंजिर रजी अल्लाह अनहु को अता फरमाया पूरा लश्कर एक हजार मर्दान जंगी पर मुश्तमिल था जिनमें एक सौ जिरापोश और पचास शाहसवार थे सईदना इब ने उमे मकतूम रजील को इस काम पर मुक्र फरमाया कि वो मदीने के अंदर रह जाने वाले लोगों को नमाज पढ़ाएंगे इसके बाद कूच का ऐलान फरमाया और लश्कर ने शिमाल का रुख किया सयदिना सात बिन मुआज और सात बिन उबादा रजी अल्लाहुमा जिरा पहने नबी सल्म के आगे आगे चल रहे थे रात ओहद और मदीने के दरम्यान बसर की तुलुए फज्र से कुछ पहले आप फिर चल पड़े और मकाम शौत पहुँच कर नमाज फज्र अदा की इसी जगह से अब्दुल्ला बिन उबई मुनाफिक अपने 300 साथियों के साथ अलग हो गया उसने ये कहते हुए मदीना मुनवरा का रुख किया आपने हमारी राय को कोई अहमियत नहीं दी इसलिए हम वापस जाते हैं इस बगावत और वापसी के बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बाकी मानदा लश्कर को लेकर जिसकी तादाद 700 थी दुश्मन की तरफ कदम बढ़ाया दुश्मन का पड़ाव आपके और के दरमियान कई से हायल था इसलिए आपने दरियाफ्त किया कि कोई आदमी है जो हमें दुश्मन के पास से गुजरे बगैर किसी करीबी रास्ते से ले चले इसके जवाब में अबू खैसमा रजी अल्लाह ने अर्ज किया या रसूल मैं इस खिदमत के लिए हाजिर हूँ फिर उन्होंने एक मुख्तसर रास्ता इख्तियार किया कर नबी करीम सलाहलम ने आगे बढ़कर वादी के आखिरी सिरे पर वाकई ओहद पहाड़ की घाटी में नजूल फरमाया और वही अपने लश्कर का कैंप लगवाया सामने मदीना था और पीछे ओहद का पहाड़ इस तरह दुश्मन का लश्कर मुसलमानों और मदीने के दरमियान हद फासिल बन गया यहाँ पहुँचकर रसुल्लाह सल्लाह ने लश्कर की तरतीब व तंजीम कायम की और जंगी नुक़ नजर से उसे कई सफों में तकसीम फरमाया उनकी कमान अब्दुल्ला बिन जुबैर बिन नौमान रजी अल्लाह के सपुर्द की और उन्हें वादी कनात के जुनूबी किनारे पर वाक़ एक छोटी सी पहाड़ी पर जो इस्लामी लश्कर के कैंप से कोई डेढ़ सौ मीटर जुनूब मशरक में वाक़ है और अब जबल रुमात के नाम से मशहूर है तैनात फरमाया और उन्हें हिदायत देते हुए फरमाया अगर तुम लोग देखो कि हमें परिंदे उचक रहे हैं तो भी अपनी जगह न छोड़ना यहाँ तक कि मैं बुला भेजूं। और अगर तुम देखो कि हमने कौम को शिकस्त दी है और उन्हें कुचल दिया है तो भी अपनी जगह न छोड़ना यहाँ तक कि मैं बुला भेजूं। बाकी लश्कर की तरतीब ये थी दाएं जानेब वाले लश्कर पर सैदनाब मुंजिर बिन अम्र मुकर थे और बाएं जानेब वाले लश्कर पर जुबैर बिन अवाम और उनका मुआवन सदिना मकदाद बिन असवद को बनाया गया सयदिना जुबैर को ये मुहिम भी सौंपी गई कि वो खालिद बिन वलीद के शाहसवारों की राह रोके रखे इस तरतीब के अलावा सफ के अगले हिस्से में ऐसे मुमताज और मंतखब बहादुर मुसलमान रखे गए जिनकी जामबाजी और दिलेरी का शोहरा था और जिन्हें हजारों के बराबर माना जाता था ये मंसूबा बड़ी बारीकी और हिकमत पर मबनी था जिससे नबी करीम वसल्लम की फौजी क़्यादत की अब करियत का पता चलता है और साबित होता है कि कोई कमांडर कैसा ही बालियाकत क्यों न हो आपसे ज्यादा बारीक और बाहिकमत मंसूबा तैयार नहीं कर सकता ये थी नबी करीम सल्लाम की लश्कर की तरतीब तंजीम जो सात शवाल तीन हिजरी की शुभ अमल में आई उधर मुश्रकिन ने भी सफबंदी ही के उसूल आरोप अपने लश्कर को मुनज़म किया था उनका सिपा सालार था, जिसने कल लश्कर में अपना मरकज बनाया था दाएं जानब खालिद बिन वलीद सालार थे जो अभी मुश्रक थे और बाएं जानब का सालार इक्रमा बिन अबू जहल था पैदल फौज की कमान सफवान बिन उमैया के पास थी और तीर अंदाजों पर अब्दुल्ला बिन रबीया मुकर्र हुए झंडा बनू अब्दुद्दार की एक छोटी सी जमात के हाथ में था इसके बाद दोनों फरीक आमने सामने और करीब आ गए और लड़ाई का मरहला शुरू हो गया जंग के पहले मरहले की इब्तदा मुश्रकीन के तलहा बिन अभी तलहा से हुई। उसने मुसलमानों को ललकारा उसकी ललकार सुनकर सैयदना जुबैर रजू फौरन सबसे निकल कर आगे आए उसके मुकाबिल हुए बढ़कर एक भरपूर वार किया तलहा फौरन ही जहन्नम रसीद हो गया तलहा के गिरते ही झंडा उसके भाई उस्मान ने उठा लिया और मुसलमानों को मुकाबले के लिए पुकारा अब सही बढ़े हमजा उस्मान के कंधे पर इस जोर से तलवार मारी कि कमर तक उतर गई इस तरह कुरैश के बारह अलमबरदार यज के बाद दीगरे कत्ल हुए फिर आम लड़ाई शुरू हुई घमसान की जंग छिड़ गई इसमें मुसलमानों का पल्ला भारी रहा मुश्रकी शिकस्त खाकर भाग निकले उन्हें जोश दिलाने वाली औरतें भी भाग खड़ी हुईं मुसलमानों ने मुश्किल को घेर लिया उन्हें मारने लगे लगे साथ साथ गनीमत लूटने लगे। ऐसे में दर्रे पर मौजूद पचास तीर अंदाजों से वो गलती हो गई जिसने लड़ाई का पांसा पलट दिया हुआ यूं कि नबी अकरम अलैहि वसल्लम ने उन पचास तीर अंदाजों को यह हिदायत फरमाई थी कि इस दर्रे को किसी हाल में ना छोड़ना लेकिन जब मुसलमानों को कामयाबी हुई काफिर भागने लगे और मुसलमान उन्हें मारने काटने के साथ साथ माल गनीमत भी लूटने लगे तो उन्होंने भी दर्रा छोड़ दिया और माल गनीमत लूटने के लिए दौड़ पड़े तीर अंदाजों के सरदार सयदिना अब्दुल्ला बिन जुबैर रजी अल्लाहों ने उन्हें रोकने की कोशिश की लेकिन वो माल गनीमत की तरफ मुतवे हो गए कुरैशी फौज में खालिद बिन वलीद मौजूद थे उन्हें अल्लाह ने गजब की जंगी महारत अता की थी उन्होंने अपनी महारत से फौरन भांप लिया कि मौका बहुत अच्छा है मुसलमानों पर उस दर्रे की तरफ से हमला कर देना चाहिए चुनाचे उन्होंने अपने दस्ते को साथ लिया और चक्कर काट कर दर्रे तक पहुंच गए वहाँ सैदिना अब्दुल्ला बिन जुबैर रजी अल्लाह अनहो और उनके साथियों को शहीद करके ये लोग पीछे की तरफ ऐसी मुसलमानों पर टूट पड़े इस तरह मुसलमान दोनों तरफ ऐसी घेरे में आ गए इस तरह 700 मुसलमानों की फौज अचानक 3000 के नरगे में आ गई जबरदस्त जंग हुई 70 सहाबा शहीद हो गए मुसलमान मुंतशिर होकर रह गए इस्लामी फौज के अलम बरदार सदना की शक्ल सूरत रसुल्लाह सल्हसम से बहुत मिलती जुलती थी वो शहीद हो गए तो बाज लोगों ने समझा रसोल्लाह सल्लाह शहीद हो गए इस खबर से इस्लामी फौज दिल हो गई उनमें उनमे सरासीमगी फैल गई वो मायूस हो गए बड़े बड़े बहादुरों की ताकत जवाब दे गई कुछ देर बाद इतफाक से काब बिन मालिक रजी रजियाल ने रसुल्ला को देख लिया वो बुलंद आवाज से पुकारे मुसलमानों रसोल जिंदा है मुसलमान उस तरफ लपके और आपको हल्के में ले लिया लड़ाई के दौरान में एक पत्थर आप सल्लाह की पेशानी मुबारक पर लगा इससे जिरा की दो कड़िया आपकी पेशानी में धस गईं, एक और पत्थर आकर लगा इससे आपके दो दांत शहीद हो गए मुसलमानों के फिर पलट आने पर आखिर काफिरों को भागते बनी सत्तर मुसलमानों की लाशें खून और मिट्टी में लतपत पड़ी थी कुफार ने इंतकाम की आग को इस तरह ठंडा किया कि उनमें से अक्सर के नाक और कान काट लिए आपके चचा, रजी सदना हमजाला की नाश के भी नाक कान काट डाले गए। कायनात सल्लल्लाहु वसल्लम ने चचा की लाश देखी तो आप दीदा हो गए ताहम सब्र फरमाया कुरैश मक्का के लिए दुआ फरमाई ए अल्लाह मेरी कौम को हिदायत फरमा क्योंकि वो मुझे नहीं जानते इसके बाद आप मुसलमान जख्मियों और शहीदों की खबर लेने के लिए मैदान में तशरीफ लाए बाज लोग उस वक्त तक बाज श को मदीने की तरफ ले चले थे आपने उन्हें हुक्म दिया कि इन्हें इनकी शहादत गाहों में वापस लाया जाए और सारे शहदा को गुसल और नमाज जनाजा के बगैर इनके कपड़ों ही में दफन किया जाए आपने दो दो और तीन तीन शहीदों को एक ही कब्र में दफन किया और ऐसा भी हुआ की दो शहीदों को एक ही कपड़े में दफ्न किया गया दरमियान में इसखिर घास डाल दी गई लहद में उस शख्स को आगे किया जिसे कुरान ज्यादा याद था आपने फरमाया मैं इन लोगों के बारे में क्यामत के दिन गवाही दूंगा लोगो ने सदना हंजला बिन अबी आमिर की लाश इस हालत में पाई कि वो जमीन से ऊपर उठी हुई थी और उससे पानी टपक रहा था रहमत दो आलम सल्लाम ने फरमाया फरिश्ते इन्हें गुसल दे रहे हैं उनका वाकया ये है कि उनकी नई नई शादी हुई थी बीवी के साथ ही थे चुनाचे फरिश्तों ने उन्हें गुसल दिया इसलिए उन्हें गसील मलाये का कहा जाता है सैयदिना हमजा रजियाल्ला को इतनी छोटी चादर में दफना दिया गया कि अगर सर ढांका जाता तो पाव खुल जाते थे और पाँव ढाके जाते तो सर खुल जाता था चुनाचे पाओ पर इज खिर घास डाल दी गई यही सूरत हाल सैदिना मुसबिन उमैर रजी अल्लाह के साथ पेश आई शोहदा के दफन और उनके लिए दुआ के बाद नबी अक्रम सल्ह वसल्लम और साहब किराम मदीने की तरफ चले रास्ते में कुछ औरतें मिली जिनके अजीज शहीद हुए थे नबी सलम ने उन्हें तसली दी और उनके लिए दुआ फरमाई बनु दीनार की एक खातून आई जिनके शौहर भाई और बाप शहीद हो गए थे जब उन्हें उनके अजीजों की शहादत की खबर दी गई तो बोली रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क्या खबर है उन्हें बताया गया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खैरियत से हैं। वो बोली मैं आपको देखना चाहती हूँ लोगों ने इशारे से बताया जब उनकी नजर आप पर पड़ी तो बोली कुल्लू मुसीबत का के आपके बाद हर मुसीबत हेच है मदीने पहुंचकर कर मुसलमानों ने हंगामी हालत में रात गुजारी। जिस्मों पर जख्म ही जख्म थे थकन से बदन चूर चूर थे और, गम और अलम की कैफियत तारी थी इसके बावजूद वो मदीने का पहरा देते रहे और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पहरेदारी करते रहे उधर वसल्लम ने महसूस किया कि दुश्मन की नकलो हरकत पर नजर रखना जरूरी है ताकि वो मदीने का रुख करें तो उनसे खुले मैदान ही में दो दो हाथ कर लिए जाए चुनाचे सुबह हुई तो आपने ऐलान फरमाया दुश्मन से मुकाबले के लिए चलना है और सिर्फ वही आदमी जा सकता है जो ओहद की लड़ाई में शरीक था इस पर लोगों ने कहा हमने बात सुनी और मानी चुनाचे सब लोग मदीना मुनवरा से रवाना हुए आपने आठ मील दूर उल असद के पहुँच कर पड़ाव डाला उधर मुश्रकिन ने मदीना मुनवरा से छत्तीस मील दूर मकाम पर पड़ाव डाला और मदीने पर दोबारा चढ़ाई करने का मशवरा शुरू कर दिया उन्हें अफसोस इस बात का था कि उन्होंने एक बेहतरीन मौका खो दिया ऐसे में माबद बिन अभी माबद खुजाई आपकी खिदमत में हाजिर हुआ ये आपके खैर में से था हमराउल असद में आपके सामने पहुंचकर उसने ओहद के वाकये पर ताजियत की आपने उससे फरमाया तुम जाकर अबू सुफियान से मिलो और उसकी हौसला शिकनी करो माबद रोहा पहुंचा उस वक्त तक मुश्तकीन मदीने की तरफ पलट पड़ने का फैसला कर चुके थे माबद ने उन्हें बुरी तरह डराया कहने लगा मोहम्मद ऐसी जमयत लेकर निकले हैं कि मैंने ऐसी मिसाल पहले नहीं देखी वो सब लोग तुम्हारे खिलाफ गुस्से से भरे हुए हैं भड़के हुए हैं। उन पर इस कदर जोश तारी है कि मैंने ऐसी मिसाल पहले कभी नहीं देखी। नीज मेरा ख्याल है कि तुम कूच करने से पहले पहले उस लश्कर का हरावल दस्ता इस टीले के पीछे से नमूदार होता हुआ देख लोगे उसकी बातें सुनकर मक्की लश्कर के हौसले पस्त हो गए अजाइम ढीले पड़ गए चुनाचे अबू सुफियान ने एक काफिले के जरिए से ये पैगाम भेजा लोग तुम्हारे खिलाफ हैं, उनसे डरो ये पैगाम उन्होंने इसलिए भेजा कि मुसलमान उनकी तरफ ना आए